ये बिना पैसे की घर पे करने योग्य खराब घुटनों के लिए एक दुनिया की सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। और ये पति पत्नी दोनों के घुटने खराब हैं और इतने ख़राब हैं कि रिप्लेसमेंट की नौबत थी, दोनों 60 साल से ऊपर हैं और दोनों ही ओवरवेट हैं, लेकिन इनके एक पीडियाट्रिशियन दोस्त ने, जो मेरे फेसबुक फ्रेंड ने, उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया कि अगर नहीं कराना है रिप्लेसमेंट तो जाएं डॉक्टर सल्या के पास, वो कुछ उपाय बताएंगे कि कुछ हो सकता है। बिजी, बहुत बिजी लॉयर हैं ये, अच्छे पैसे वाले हैं, पर थोड़े से जिद्दी भी थे, पर इनको इनकी जिद ख़त्म कर दी, अब जिद कन्वर्ट कर दी है एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी स्टिफनेस है, टी एक बहुत टायर्ड थे, हेमिस्ट्रिंग टायर्ड थी, टेंसर फ्रिक्सर बहुत ज़्यादा टाइट है, स्ट्रेसफुल लाइफ है इनकी बहुत ज़्यादा। अभी करते करते मोबाइल करने लगते हैं, एक्सरसाइज के दौरान ही 50 मोबाइल आ जाते हैं, ठीक है। करिए सर, रुकिए मत, अच्छा ठीक है, 50 हो गए। अब मैं इनकी पत्नी के भी दिखा रहा हूँ, देखिए कर रही हैं, चेहरे की मना कर दी, चेहरा नहीं आना चाहिए, तो चेहरा नहीं ले रहा मैं इनका। अब देखिए, इनको घर के लिए सिखा रहा हूँ, मैंने अखबार चार मोड़ करके ऐसे करिए, ठीक है। अखबार कहता हूँ तो लोगों की समझ में आ जाता है, हर घर में अखबार तो होते ही है, तो चार अखबार लो, और अखबार गिर गए तो घुटना नहीं बचेगा, अखबार नहीं गिरे तो घुटना बच जाएगा। हजारों हजारों मरीजों को पूरे विश्व के अंदर इन दो एक्सरसाइज से बहुत फ़ायदा पहुंचा है। अब कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, नीदरलैंड में, इंग्लैंड में, तमाम कंट्री से मेरे पास कॉल आती हैं, और मेरी जो ये वाली जो एक्सरसाइज की जो वीडियो थी वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बार देखे जाने वाली हेल्थ वीडियो बन गई, और 8.5 करोड़ लोगों ने उसको देखा, लाखों लोगों ने फॉलो किया और उसका फ़ायदा उठाया। लोग जब हिंदुस्तान आते हैं तो मिलने आते हैं, मुझे ढेर सारी गिफ्ट दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आपकी एक एक्सरसाइज से हमारे घुटनों की दवाएं बंद हो गई, घुटने सीधे हो गए और हमारी चाल लगभग नॉर्मल आ गई। तो अब देखिए, मैं दोनों को एक साथ कवर कर रहा हूँ, ये पत्नी कर रही हैं और ये पति कर रहे हैं, ये पति कर रहे हैं और ये पत्नी कर रही हैं, दोनों एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, दोनों ईमानदार हैं, सच्चे हैं, और 8 दिन हो गए, और दोनों की चाल जो मेढक वाली चाल थी वो आदमी वाली चाल में कन्वर्ट हो गई है, उछलना कूदना बिल्कुल बंद हो गया है, और दोनों का मेरे ख्याल से जो चेहरे पे जो चेंज आया है वो भी करीब करीब लग रहा है, इनका 3-4 किलो वजन भी कम हो गया है, चेहरे पे खसाब आ गया है, ढीलापन खत्म, और डाइट चार्ट पूरा फॉलो कर रहे हैं। हाँ मैडम, कितना डाइट चार्ट फॉलो हो रहा है आपका? 70% फॉलो हो गया आपका, वेरी गुड, और पूरा फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अभी इनके पति लगे हुए हैं, हाँ जी वकील साहब थोड़ा और ज़ोर से, यस, हाँ पूरा खोलिए, वेरी गुड। तो ये दो एक्सरसाइज, ये तो ना तो इससे ज़्यादा घुटना खुल सकता है और ना इससे ज़्यादा घुटना मुड़ सकता है, और जब ये ध्यान रखें, जब घुटना खुल रहा है और चल रहा है उस दौरान शरीर का 1 ग्राम भी वजन घुटनों के ऊपर नहीं होना चाहिए, घुटनों को चलाना है, चलना नहीं है। घुटने की कार्टिलेज खराब होने पर जो डॉक्टर्स बताते हैं और चलो, वो बहुत बेवकूफ़ी का काम करते हैं। जो चीज़ कार्टिलेज डैमेज है, फटे हुए टायर पर, फटी हुई चप्पल आप चल नहीं चल सकते, फटे हुए टायर पर चलोगे तो पंचर हो जाएगा, सड़क पर पड़े रहोगे, तो चलाना है, चलना नहीं है, ये ध्यान रखें। यदि कोई डॉक्टर सलाह दे रहा है, डॉक्टर साहब आपके घुटने खराब है, आप चल के दिखा दो, क्यों बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, फटी हुई कार्टिलेज के ऊपर चलवाएंगे तो और दर्द होगा और हालत ख़राब होगी और जल्दी रिप्लेसमेंट की नौबत आ जाएगी। घुटनों को चलाइए, और जिस समय घुटने चल रहे हो उस समय 1 ग्राम ये गैप नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार मोड़िए, देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं आ रहा है, मिला के रखना है, घुटनों को मिला के रखना है, और उससे पहले ये एक्सरसाइज करने से पहले ये काम जरूर कर लें, घुटनों की गर्म पानी से, देखिए बाल्टी में गर्म पानी भरा हुआ है, दोनों पैर डूबे हुए हैं, दोनों थाई मिलाइए, हाँ अब देखिए इसके अंदर ऐसे पानी डाल रहे हैं, इस तरह से घुटनों की गर्म पानी से सिकाई कर लें पहले, उसके बाद एक्सरसाइज करें। और अगर आप इलाज नहीं कराना चाहते, सिर्फ इतना ही करते रहें 30 साल के बाद, तो पूरी ज़िंदगी आपके घुटने खराब नहीं होंगे, मेरी गारंटी है, घुटनों के बीच में गैप ना रहने दें, ठीक है। हाँ आप जरा पैर नीचे मिला करी बाहर आइए, एक सेकेंड लाइए, बाहर आइए थोड़ा सा, नीचे आइए, पैर बाहर लाइए, हाँ लाइए, आप ये घुटने मिलाइए, हाँ फिर सीधे उठाइए,
हाँ, जब ये आए थे मेरे पास तो यहाँ करीब करीब 3-4 अंगुल का गैप था, बिल्कुल गैप खत्म हो गया है ये। मैं कितने दिन हो गए यार? हाँ कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए इनको। ठीक है, अब मिलाइए, उठाइए पूरे ऊपर, फिर नीचे में उठाइए। यस, ये एक्सरसाइज करिए और ये घुटने ठीक हो जाएंगे। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली, मोबाइल 9810122433।